अभी हाल में एक खबर आई थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत यह है कि ना तो गेहूं खरीदने के पैसे हैं, ना तेल खरीदने के पैसे हैं, और किसी चीज के पैसे कहां से आएंगे। लेकिन ये बात भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब पैसा आना शुरू हो गया है। IMF से जरा सा लोन क्या पास हुआ, उसके बाद पैसा बरसना शुरू हुआ चाइना से। अब 9 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से 4 बिलियन डॉलर, मतलब 13 बिलियन डॉलर। 13 बिलियन डॉलर के साथ साथ 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट दे रहा सऊदी अरेबिया। मैं एक छोटा सा प्राइमर देता हूं कि जो कंट्रीज के लिए दो चीजें होती हैं, एक के उनका जो एक्सटर्नल डेट है और दूसरा उनकी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट है, यानी जो मुल्क के बाहर जो पैसे, इंटरनल डेट भी होता है, यानी पाकिस्तान का जो टोटल डेट है वो 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये है, यानी रफली 300 बिलियन डॉलर के करीब, 200-300 बिलियन। पाकिस्तान बिल्कुल ही एक लावारिस देश बन चुका है। हम देखते हैं जितने भी इसके माई बाप थे, जितने भी इसको सपोर्ट करने वाले, जितने भी इसको चंदा देने वाले, अलग अलग दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे इसका मुकदमा लड़ने वाले, अलग अलग जगहों पे इसके आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करने वाले, इसको एक शांति प्रिय देश बताने वाले, सब अलग अलग हो चुके, सब ने मुँह फेर लिया है। कोई इधर मुड़ गया, कोई उधर मुड़ गया, सब ने जो है इनको पीठ दिखा दी। अब ये कहीं कुछ जवाब देने लायक भी नहीं रह गए कि हाँ ऐसे ऐसे मान जाओ। बहुत इन्होंने कोशिश भी करी, पाकिस्तान ने बहुत हर संभव प्रयास भी किया कि जितने इनके रूठे यार हैं सबको मना लिया जाए, सबको किसी न किसी तरीके से लेफ्ट राइट करके सेटलमेंट कर दिया जाए, सबसे चलो जितना पहले मिलता था उतना ना सही, थोड़ा बहुत ही कर्जा मिल जाए, थोड़ा बहुत में ही हम लोग जैसे तैसे दो रोटी खा के ही पेट पाल लेंगे अपना, हम लोग अपना 10 प्रॉपर्टी की जगह 2 प्रॉपर्टी खरीद के कर लेंगे, लेकिन वो सब हो ना सका। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जाते रही तो दे विल हैव टू कंसीड टेरिटरी टू पीपल। भाई चाइना के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है वो बहुत फंस जा रहा था। मैं भी कल ब्राजील के बारे में बात कर रहा था तो वो रेफर कर रहे थे टू अर्जेंटीना एज अर्जेंटीना। इतना जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके नाम भी लोग आर रेकग्नाइजिंग कि दे आर बिकमिंग वेरी फाइनेंशियली डिपेंडेंट। का जो एक्सटर्नल डेट है इट इज नियरली इक्वल टू द इंटरनल डेट, थोड़ा सा कम है, यानी 40-60%। तो एक्सटर्नल डेट इनका 130 बिलियन डॉलर है, 130, विच इज नियरली 40% ऑफ द जीडीपी। तो आपका जो एनुअल इनकम है 40% इज द डेट। जस्ट एड इट अप एंड से वी आर गिविंग यू 9 बिलियन, बट एक्चुअली 9 बिलियन है। तो वो जो 9 बिलियन है उसमें डेट का रोल ओवर है, विच मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग अस मेकिंग द पेमेंट विच इज ड्यू, आप उसको रोल ओवर कर दें। तो इट इज नॉट लाइक कैश इन हैंड फॉर पाकिस्तान टू सॉल्व इट्स क्राइसिस। इनफैक्ट इट इज इन द लॉन्ग टर्म ए बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि अब ये 9 बिलियन डॉलर इज एन एडिशनल लोन ऑन द प्रीवियस लोन जो इनको मिले। इट इज ए रिलीफ, बट इट इज नॉट मतलब इट्स नॉट डेट फॉरगिवनेस। ये कश्मीर को क्या हासिल करेंगे, मुझे लगता है कि कश्मीर की जो तलब है उनको इसको सिंक दें, बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन व्हाट दे हैव। जो लोग उनके पास हैं 225, आपको पता है इन लेस देन 30 इयर्स पाकिस्तान विल बिकम द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ, यानी अभी 225 230 है, इट विल बिकम 500 बिलियन, a million people, more than the US in less than 30 years. इनकी जो debt servicing आ जाती है, यानी आपने किसी से कर्जा लिया तो उसके ऊपर जो खाली इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इटसेल्फ इज मोर देन व्हाट देयर करंट रिजर्व्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, अगर आप किसी की हेल्थ केयर चेक करना चाह रहे हैं तो एक देखें एक्सटर्नल डेट कितना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। दूसरा उनके पास रिजर्व कितने, पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व 4 और 7 बिलियन डॉलर के बीच में। तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज सेफ, नॉट द चाइनीज इन्वेस्टर्स जो हुआ क्रिटिकल टू पाकिस्तान हेल्थ। इनकी सिक्योरिटी अगर वो नहीं दे सक रहे तो द कंट्री रियली इज सफरिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ गवर्नेंस मल्टीपल लेवल्स पर। ये 13 बिलियन छोड़ दें, इससे पहले काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सऊदी अरेबिया और चाइना ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, लेकिन आई व्हेन आई एक्चुअली चेक के अगस्त के करीब या जून के करीब चाइना ने इनको 2.3 बिलियन डॉलर्स की मदद भी की थी, और सऊदी अरब ने तकरीबन हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का
डील विद डिफर्ड पेमेंट किया, सो दे आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग फॉरेन असिस्टेंस. पाकिस्तान की जो ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रैटेजी है दैट हैज टू शिफ्ट फ्रॉम बीइंग ए स्टेट विच इज, वो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है उनके. आई मीन पाकिस्तान आधा हो गया है पिछले 75 ईयर्स में इन साइज, बट उनका आउटलुक स्टिल एक्सपेंशनिस्ट, मतलब टेरिटोरियल, खासतौर से कश्मीर को लेकर. ये कश्मीर उनको डुबा देगा. उनका डेट इज 130 और उनके करेंसी रिजर्व इज जस्ट $7 बिलियन. तो ये $7 बिलियन से वो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी अदा करेंगे और जो एनर्जी के इम्पोर्ट्स हैं बाहर से, नॉट जस्ट एनर्जी, फूड भी इम्पोर्ट करता है पाकिस्तान, इज इम्पोर्टिंग, तो उसके भी सारे पेमेंट्स डॉलर्स में होंगे. अनलेस दे कैन कन्विंस के भाई आप दूसरी करेंसी लें, यानी पाकिस्तानी रुपए में अगर वो ट्रेड करें, डोमेस्टिकली जनरेट करेंगे. तो पाकिस्तान आई थिंक नीड्स टू फर्स्ट स्टेबलाइज, कट इट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नंबर टू, एंड थ्री इन्वेस्ट इन सम काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिवन. ये एनवायरमेंट का एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को. देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैशन, खासतौर से इस फ्लड्स के बाद, फॉर पाकिस्तान टू बिकम सम काइंड ऑफ ए रीजनल हब फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंट. But I think they really need to refocus. Agar aap usko India se contrast kare, then you will get a sense of what a healthy economy. So for example, Pakistan ka external debt 130 hai, India ka external debt 620 hai. Theek hai, Pakistan se 6 guna zyada. Lekin India ki jo economy hai, it's at 3 trillion. So the debt is much less. प्लस इंडिया के पास अभी भी $550 million के रिजर्व्स हैं इन द बैंक. इमरान खान वॉज प्राइम मिनिस्टर फॉर 3.5 years और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बिकेम वर्स एंड वर्स अंडर हिज गवर्नेंस. उन्होंने ऐसा कोई कमाल नहीं किया टू सॉल्व इट. प्लस ही इज कमिटेड टू द आइडिया ऑफ ए वेलफेयर स्टेट. वो बार बार कहते हैं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट. अभी For, to create a welfare state, you have to have a large amount of income for redistributing wealth. मतलब अगर गरीबों को आप बहुत पैसे देने वाले हैं स्टेट की तरफ से तो आप बोरो करें. वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के तीन एज हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका. अमेरिका से तो अभी तक ताल्लुकात खराब हो गए थे, एंड अल्लाह ताला तो ऊपर से अजाब ही अजाब भेज रहा है उनके ऊपर. फ्लड आफ्टर फ्लड, फ्लड नहीं तो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक नहीं तो फ्लड आ रहे हैं. So then the damage jo hua hai from floods for Pakistan, that has also complicated its situation. So weak infrastructure, bad governance, and then natural calamity. Aap default kar de, Pakistan ne ek baar kar chuka hai history mein. Agar default kar de to aapki dub jayegi economy. Aapko koi kharza nahi dega, aapko koi foreign investments bhi nahi aayenge. Jis tarah se puri duniya ne boycott kiya hai, puri duniya ne isolate kar rakha hai पाकिस्तान को, ये सब अपने आप ही कुछ भी नहीं हो गया. इसके पीछे पाकिस्तान का अपनी गलतियां तो जो हैं सो हैं. यहाँ पर इस देश भारत में कई लोगों ने अपनी दिन रात मेहनत कर करके, उनके दिन रात खून पसीना एक कर करके स्थिति तक हुआ है, चीज़ को लेकर के आए हैं. पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं, अगर ऐसा ही होना था तो शायद 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी ऐसा कुछ हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ. क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं अलग अलग मायनों में फेल हो जाती थी. और डिप्लोमेसी फेल क्या होती थी? डिप्लोमेसी फेल होना तो एक खैर शब्द ही गलत है. डिप्लोमेसी फेल होना उसको कहेंगे कि हमने कोशिश करी लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ. गलत बात. हमने यहाँ से खुद से ही हमने पूरी इनके लिए दरिया रेड कारपेट बिछा रखी थी कि जी बस भी चला दो और अपना पानी भी छोड़ दो, बीच बीच में अलग अलग मानो फंड भी दे दो, स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी दे दो, अलग अलग वहाँ पर कुछ होगा तो चंदा भी चढ़ा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, दोस्ती का भी हाथ बढ़ा दो. सब कुछ करने के बाद भी तो अगर खुलेआम ओपन पब्लिक में इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप समझ सकते हो बैक चैनल में तो पूरी बिछ ही जाते होंगे यहाँ के नेता पाकिस्तान के. तभी ऐसा चलता रहा, तभी इधर आतंकवादी हमले होते रहे, इधर सब कुछ होता रहा, और इधर नेता जो है बस चला रहे, कहीं नेता ट्रेन चला रहे, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है. यही सब बदतमीजियों का नतीजा था जो यहाँ पे आप देखो सब दोनों ही तरफ से. भारत में भी उतनी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई थी, भारत में क्या बल्कि 47 से ही गड़बड़ होती है. ये ना इतना हिस्सा देना चाहिए था, खैर वो अलग चर्चा के विषय. पर जब से इधर हम देख रहे हैं पिछले 7-8 सालों में सारी दुनिया में उसी तरह से एक एक जैसे मोतियों की माला को पिरोया जाता है, वैसे अलग अलग डॉट्स को जोड़ा गया आपस में. हर देश की सिचुएशन अलग,
हर देश की सिचुएशन अलग, हर देश के मसले अलग, हर देश के बयाने अलग, हर देश में सब कुछ पूरी एकदम अलग ही गणित भाग थे, उसके बाद भी पूरा ऐसा ढांचा तैयार करना कि पाकिस्तान को ऐसे आइसोलेट होने छोड़ देना है। और इधर इमरान खान, वो तो खैर इमरान खान तो उसमें तो भारत का कोई इतना खास रोल नहीं है, वो तो खुद ही उभर के आया है, लेकिन इमरान खान का इस तरीके से आ जाना, इतना मजबूत हो जाना, ये कहीं ना कहीं किस्मत को भी हमको थोड़ा बोलना पड़ेगा कि किस्मत भी भारत के साथ में इतनी ज़्यादा है कि इमरान खान जैसा नेता भी आ गया जो खुद ही अपने देश को तोड़ने के लिए जी जान से लगा पड़ा है।